कहाँ से हैं आप लोग? गांव तो मगही है, जिला लखीमपुर खीरी। जिला लखीमपुर से हैं जी। और ये जावित्री हॉस्पिटल के बारे में कैसे पता चला था आपको? एक हमारे रिलेशन की मौसी हैं। अच्छा। इनकी जी जी, अब हमारी भी हैं जी जी, उनके द्वारा पता चला। अच्छा, मतलब उनको यहाँ से सफलता मिली होगी। हाँ, उन्होंने ट्रीटमेंट कराया था अपना। जी 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 जी। और जब यहाँ पे पहली बार आप आए होंगे जावित्री हॉस्पिटल, तो राजुल मैडम से मिले होंगे, तो उन्होंने क्या कहा था आपसे? कहा था कंटिन्यू रखिए, फ़ायदा तो मिलेगा ही। अच्छा, मतलब आप यहाँ आए तो बच्चों के लिए और बच्चे यहाँ से लेके जाओगे, और वही हुआ। आप एक ही अपेक्षा में आए थे और यहाँ से आपको दो दो बच्चे मिले हैं। मतलब जो सोचा था वो पूरा हो गया। ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल है। तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर को? बहुत धन्यवाद पूरे स्टाफ के। बिल्कुल। और एक माँ का सपना होता है कि उनके खुद के बच्चे हों, उनको कोई माँ कहने वाला हो, और वैसा ही हुआ। आज बच्चे आपके पास दो दो हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप मैडम को? मैडम को थैंक यू, पूरे स्टाफ को थैंक यू। जी जी जी। और जैसा आपने देखा होगा अपने इलाज के दौरान, मैडम दिन रात इस काम को करती रहती है। सुबह 3-4 बजे भी देखा होगा आपने। हाँ, और रात के 10-11 बजे तक वो काम करती रहती है। तो उनका सिर्फ यही एक डेडिकेशन है कि यहाँ पे जो भी पेशेंट आए हैं उनको सफलता मिले। ये चाहे उनके इलाज फेल हो गए हों, चाहे वो एज ज़्यादा होगी, कुछ भी रीज़न हो, उनको सफलता यहाँ से मिले। और ऐसा ही होता भी है, जावित्री हॉस्पिटल में जो आता है उनको सफलता मिलती है। और रिजल्ट आज उनका आपके हाथ में है कि दो दो बच्चे आज आपको मिले हैं, और यहाँ की टीम और यहाँ के डॉक्टर सभी ने सपोर्ट किया आपका। और जैसा आपने आपने बताया बाहर से हैं आप लोग, तो यहाँ पे आते इलाज के दौरान पूरा 9 महीने आप लोग आए रहे हैं यहाँ पे, तो कोई ऐसा तो नहीं लगा कि हम बाहर से रह रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, ऐसा कुछ दिक्कत कोई नहीं? जी जी जी। और यहाँ की टीम की तरफ से, यहाँ के डॉक्टर की तरफ से आपको जो दो प्यारे प्यार से बच्चे हुए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें, ताकि हर सुने घर आंगन में गूंजे खुशियों की किलकारी। धन्यवाद।